लीनियर इक्वेशन एक्सरसाइज 18A क्वेश्चन नंबर 5 7y/5=y-4। हमारा वेरिएबल एक यहाँ पे है और एक यहाँ है, तो हम लोग को वेरिएबल को एक तरफ करना है पहले। अच्छा, ये जो देखिए यहाँ पे ये जो 5 है डिनोमिनेटर में है, अगर ये उस तरफ जाएगा तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, मीन्स 7y = ये 5 दोनों से मल्टीप्लाई होगा इस तरीके से। इधर 5 × y 5y 5 × 4 = 20 और इस तरफ हो गया 7y। अब ये 5y को इस तरफ लाएंगे तो उस तरफ कोई साइन नहीं इसके आगे, यानी कि प्लस है, इस तरफ आ जाएगा माइनस 20। 7y में से 5y माइनस हो जाए तो 2y = हो गया -20, यानी y = हो गया -20/2, कितना हो गया -10। व्हाट डू वी हैव, y = -10। वेरीफाई भी करना है क्या? नहीं, मतलब केवल सॉल्व करना है। एक क्वेश्चन और देखिए इसमें से, नाइन नंबर, x-5/2 − x-3/5 = 1/5। इस क्वेश्चन को जब आप सॉल्व करेंगे तो यहां पे पहले इस तरफ देखिए एलसीएम ले लेते हैं, तो 5 × 2 = 10, इसका एलसीएम 10 ही होगा क्योंकि ये को प्राइम नंबर है। इस 5 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए और ये 2 इसमें जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा = 1/5। 5 × x 5x 5 × 5 = 25, −2 × x −2x −2 × −3 + 6/10 = 1/5। आप देखिए ये 10 उधर जाके अगर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो इससे कैंसिल हो जाएगा, इसलिए हम उसको ले जाएंगे। 5x में से 2x माइनस हो जाएगा 3x, −25 + 6, तो ये माइनस में है और ये प्लस में है तो अलग अलग माइनस हो जाएगा, तो हो जाएगा ये −19/10 = 1/5 और 3x − 19 = 1/5। ये 10 जो है इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा और इससे ये कट जाएगा तो आ जाएगा 2, यानी कि हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं 3x − 19 = 2, क्योंकि 2 वहां है और इधर 1 है, इसमें बन जाओ 2। अब हो गया 3x = 2, ये 19 उस तरफ जाएगा तो प्लस यानी 21, तो सो x = क्या हो जाएगा 21/3। 21 को आप 3 से डिवाइड करेंगे, 21 को 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा 3 × 7 = 21, x = 7।